अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी डिश जिसका नाम है सूजी की मीठी टिकियां। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुँच सके। जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 कप मैदा। मैदा हमने ले लिया है, अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी पीसी हुई। मीठा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 1/2 कप सूजी, 4 से 5 इलायची के मैंने लिए थे उनके मैंने दाने निकाल लिए हैं। आप इसमें इलायची पीस के भी डाल सकते हैं। मैं ये दाने डाल रही हूँ, मुँह में ज़रा अच्छे लगते हैं, जायके में भी अच्छे लगते हैं। आप इसमें 2 चम्मच घी के डालने हैं जो मैंने मेल्ट कर लिए थे। इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसको आपने दूध से गूंदना है। मैं इसमें दूध आस्ता आस्ता एक ही दफा दूध आपने सारा इकट्ठा नहीं डाल देना, आस्ता आस्ता आपने दूध डालना है। ये देखिए इस तरह आपने कर लेना सारा, दूध से ही आपने इसको गूंदना है। मैदा और सूजी का आटा हमारा तैयार हो गया है। इतना ही हार्ड आपने रखना है। ये देखिए अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख देती हूँ ढक कर। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए आटा इतना टाइट है। एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना आपने। ये देखिए मैं आपको पेड़ा दिखाती हूँ। आपने नीचे हल्का सा ऑयल लगाना है और बेलने की मदद से बेलने को भी अच्छी तरह आपने ऑयल लगा लेना है और इसको आपने बेलना है। और साथ हमने ऊपर तिल लगाने ताकि अंदर ही हो जाए सारा जज्ब। ये तिलों से बहुत प्यारी आएगी। ये देखिए, ये देखिए दूसरी चटनी हमने इसी तरह तेल लगा लेने। ये आपने एक रोटी की शक्ल बना लेनी इसको। चले अब हम टिकियां बनाते हैं। किसी भी गोल चीज की मदद से गोल गोल टिकियां बना लेनी है। ये देखें ये देखिए इसी तरह आपने सारी गोल गोल टिकियां बना लेनी है। आपने अब एक्स्ट्रा मैदे को कटिंग कर लेना है। ये देखें अब आपने एक पैन में ऑयल जो मैंने पहले से ही गर्म किया हुआ है आप आस्ता आस्ता हमने इनको ऑयल में डालना है। ये देखें इस तरह डालना है। ये देखें मैं आपको बताती चलूं, टिकियां पहले पैदे में लगेंगी, आपने परेशान नहीं होना, ये आस्ता आस्ता खुद ही ऊपर आएंगी। ये देखें ये ऊपर आ रही हैं खुद ही। लाइट ब्राउन कलर होने तक आपने दोनों साइडों से अच्छी तरह पका लें। ये देखें हमारी टिक्की की शक्ल कितनी खूबसूरत आ रही है। ये चाय के साथ स्वीट डिश के तौर पर इस्तेमाल की करें आप ही और मेहमान अचानक मेहमान आ जाए उनको भी खिलाएं। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, ये अंदर से भी अच्छी तरह पक चुकी हैं। ये ज़्यादा बारीक नहीं करनी, मोटी ही होनी चाहिए। ये देखें, ये देखिए आपने ये सारी टिक्की इसी तरह एक प्लेट में निकाल लेनी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए लीजिए मीठी सूजी की टिक्कियाँ तैयार हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।